हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। टाइम करीब 8:30-9 बजे का हो रहा है और बहुत सारे काम सुबह से कर चुकी हूँ। आज छुट्टी है, सैटरडे है, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है। मैंने बताया था आपको, सावन के कांवड़ यात्रा में जो है डीएम के द्वारा छुट्टी की जाती है, तो वो कर दी गई है हमारे यहाँ। तो बस सुबह के बहुत सारे काम निपटाए मैंने, जैसे कि ना आज सोचा था कि छत वाले पोर्शन पर झाड़ू लगाऊं, पूरी छत साफ़ की, और बारिश हो रही थी तो बाहर बाहर कुछ नहीं साफ़ कर पाया। पेड़ पौधे काफ़ी पानी मिल रहा है आज पेड़ पौधों को, बहुत बारिश हुई थी सुबह के टाइम पे। हस्बैंड जी का ऑफिस तो खुला हुआ था, तो वो चले गए थे ऑफिस नाश्ता वगैरह करके। और यहाँ नाश्ते में मैं बना रही थी, बना दिया था मैंने, मतलब जो मैंने स्प्राउट बनाए थे, अंकुरित चना और मूंग, तो उनको बॉईल करके हल्का सा, बस उसमें थोड़ा सा नींबू वींबू मिला के, चाट मसाला मिला के, और जो बैटर बचा हुआ था उसकी बनाए थे ढोकले, जो डोसा बैटर था उसमें सूजी मिला के, और बनाया था मम्मी पापा जी के लिए ओट्स का दलिया। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी, तो बस सबने खा लिया नाश्ता। अब आज सैटरडे था, तो काफ़ी दिनों से मेरा मलाई इकट्ठी रखी हुई थी, तो वो मैंने रात को फ्रीजर में से निकाल के रख दी थी, तो वो सही हो गई थी नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो फिर मैंने मलाई से घी बनाया, तो आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि अगर आप घी गर्म करते हो तो आपके बर्तन में बहुत सारा चिपक जाता है नीचे, तो मैं कौन सी टिप ट्रिक यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर तो अभी मैं जो निकला हुआ है ना मलाई से दूध, वो किस तरीके से फाड़ती हूँ, तो मैंने इसमें ना विनेगर लिया हुआ है वाइट वाला, और बस दूध को बॉयल करके और उसमें डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से और बहुत सॉफ्ट सा पनीर निकलता है, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकलता है, और बाज़ार से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा ये पनीर बनता है। तो बहुत अच्छा, मतलब दूध गाढ़ा गाढ़ा दूध निकलता है ना, जो मलाई वाला दूध निकलता है वो, और दूध बहुत टेस्टी होता है वो, बहुत अच्छा, मतलब उसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ना मैंने बताया था ना, मेरा लाइट का इशू चल रहा है कई दिनों से, तो बैटरा बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहे हैं आजकल इन्वर्टर हमारे, तो वो सब आज मार्केट मतलब शॉप पे चला गया था उठ के कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, चार्ज नहीं हो रहा है, पूरे घर में अंधेरा हो जा रहा था, और कपड़े भी धुल रहे थे मशीन में, और इधर हो गया था घी गर्म। तो आप देख सकते हैं कि जो घी गर्म होता है ना, वो बिल्कुल भी मेरे कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो क्यों नहीं चिपक रहा है ये आपके साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग में पूरा बने रहिए। तो यहाँ पर सब्जी छौंक दी है आलू परवल की लंच के लिए, और एक बनाऊँगी दाल मखनी, क्योंकि बेटी को दाल मखनी बहुत ही पसंद है, तो रात को मैंने भिगो दी थी और बॉयल करके रखी हुई है। तो जब तक ये सब काम हो रहा है, साथ ही साथ मैं ना क्या कर रही हूँ, जो बर्तन मंजे हुए रखे हैं इधर साइड में, और बहुत सारे काम होते हैं, तो मतलब साथ के साथ निपटाती हुई चलती हूँ किचन में। जैसे कि जब कुछ काम हो रहा है तो मैं फ्री खड़ी हूँ, तो सोचती हूँ लाओ ये वाला काम निपटा लूँ, तो इसी तरीके से मेरा काम जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। तो यहाँ पर बर्तन लगा रही हूँ सारे, जो मजे हुए रखे थे सारे, तो बर्तन लगाती जाऊँगी साथ ही साथ, तो पूरा किचन जो है फैला हुआ नहीं लगेगा, साफ साफ लगने लगेगा, क्योंकि नाश्ता हो चुका है और घी गर्म हो रहा है, और इधर सब्जी बन रही है आलू परवल की, और सब्जी बन चुकी है, गैस अभी बंद कर दी है। तो बस ये सब करने के बाद फिर मैंने बनाई थी चटनी लहसुन हरा मिर्च हरा धनिया की, और आजकल टमाटर तो बहुत ही महंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं, मतलब पता नहीं चलता कब कौन सी चीज़ महंगी हो जाए। प्याज भी बहुत महंगा है, टमाटर भी बहुत महंगा है, तो जो काम मतलब चार डाल के करते थे, तो वो एक या दो डाल के ही करते हैं सब्ज़ी में। तो ये देखिए घी गर्म हो गया है और बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, कि जो कढ़ाई में गर्म कर रही हूँ या आप किसी भी बर्तन में कर रहे हो गर्म, तो उसमें पहले से ऑयल लगा लो, तो ये घी ना बिल्कुल भी मतलब जो मलाई कई जो निकलता है ना ये, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो मैं घी लगा ऑयल लगा लेती हूँ, या फिर किसी भी ऐसी कढ़ाई में गरम करती हूँ जिसमें पूड़ी वगैरह सिकी हुई हो, तो वो चिकनी होती है। तो उधर मेरा एक पार्सल आ गया था, तो बस उसी को देखने लग गई थी। फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे दाल मखनी बनाने, तो उसके लिए दूसरी किचन टिप ये है कि अगर कसूरी मेथी आपकी ना मॉइस्चर आ जाता है, नम हो जाती है बिल्कुल सीली सीली सी, तो आप ना खाना बनाने के बाद जो तवा होता है ना गरम, उस पर डाल दो, एकदम से क्रिस्पी हो जाएगी बिल्कुल, आप मसलोगे ना तो चूरा चूरा हो जाएगी,
तो बस हमने डाल दी थी कसूरी मेथी दाल मखनी में। तो आपके साथ ये किचन टिप्स दो शेयर की हैं, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कसूरी मेथी में डाल रही थी दाल मखनी में, तो ये हमारा लंच था आज का, लंच हो गया था रेडी बिल्कुल। फिर लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा लाफ्टर शेफ़ देखा, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये वाला सीरियल, जिसमें सारे टीवी कलाकार हैं, अंकिता लोखंडे है, निया शर्मा है और कृष्णा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे टीवी कलाकार हैं जो हम लोग सीरियल्स में देख चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हंसते हंसते इसमें लोटपोट हो जाते हैं। तो बस ये देखते देखते थोड़ा सा किया रेस्ट। उसके बाद शाम को हस्बैंड जी आए 5:30-6 बजे, फिर उनके लिए मैंने सिवैयाँ बनाई नमकीन वाली, और सुबह की जो ढोकले बनाए थे वो रखे हुए थे, बस उनको मैंने फ्राई किया और चाय बनाई गर्मा गर्म, मैंने भी पी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, तो जहाँ पे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने आके ये सब जो कल निकाला था ना अपना नीचे अलमारियों में से, वो सब ऊपर लाके रखा हुआ है, जो भी फाइलें थी ज़रूरी वाली। तो ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, खाली पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने अभी यहीं रख दी हैं सब लाके, और जब टाइम मिलेगा ना अच्छे से तो फिर मैं इनको संभालूंगी। और ये देखिए बहुत सारे आज मैंने कपड़े धोए थे, तो अभी सूखे नहीं है। यहाँ पे फ़ैन चला दिया है और शाम का टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है करीब 6:30 बज रहा है। अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी, क्योंकि बारिश हुई थी आज, और अभी टाइम करीब 7:45 का हो रहा है। तो छत पे आई थी मैं, क्योंकि शाम को मुझे ना नीचे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, खुले खुले में अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और आज सैटरडे है और तारीख है 10 अगस्त, और जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया था पिछले सैटरडे को कि जो कांवड़ यात्रा होती है ना, सावन चल रहे हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उसकी वजह से DM के द्वारा छुट्टी हो गई थी हमारे यहाँ। तो अभी सैटरडे की तो हो गई है, कल संडे है। तो आज घर के बहुत सारे काम निपटाए थे मैंने, तो बहुत सारा कुछ नहीं सूट किया था, जितना सूट किया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये यहाँ वाले पोर्शन की पूरी झाड़ू वगैरह सब कुछ लगाई थी आज, पूरा साफ़ किया था ये, क्योंकि धुलाई की थी ना करीब 10-15 दिन पहले, तब से मैंने आज इसकी सफाई कर पाई थी। तो आज ऐसे ही मतलब काम में इतना व्यस्त रही कि खुद का ध्यान ही नहीं रखा है बिल्कुल भी। और कल संडे है, अब देखती हूँ कितना काम निपटा पाती हूँ, क्योंकि छुट्टी मिल जाती है ना तो बहुत सारा घर का, बहुत सारा साफ़ सफाई का काम निपट जाता है घर का। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, मनी प्लांट वगैरह, तो ऊपर का ये पूरा खाली पड़ा है ना, तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पे रखा रहता है, जो ज़रूरत नहीं होती है नीचे सामान की वो सब नीचे आ जाता है। तो ये सब बेडशीट वगैरह मैंने धोई हुई थी, लेकिन अभी सूखी नहीं है, क्योंकि गर्मी नमी वाला मौसम है, तो अभी नहीं सूखे हैं कपड़े, सुबह तक सूख जाएंगे। तो बस आपसे यही कहूँगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ दूँगी मैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं वो सब जानते होंगे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है। तो फिर मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ, क्या क्या रेसिपी बनाऊंगी वो भी शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।